तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। तो गाइस काफी नया ट्रेंड पे इस तरह का सॉन्ग चल रहा है इंस्टा में, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आपने आपके लिए बहुत स्टेप बाय स्टेप बताते वीडियो, प्लीज बने रहो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक रिक्वेस्ट है। तो गाइस सेकंड नया ट्रेंड यहां पर YouTube पर मैं अपलोड कर देता हूं, तो गाइस प्लीज चैनल को नया बंदे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लेना। ओके, मैं इस तरह का टोटल जब तक अपलोड करूंगा तब तक आपके लिए नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाएगा। ओके तो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर तो प्रोजेक्ट पर आना है, यहां पर बिटमार्क आइकन ओपन कर लेता हूं। तो गाइस ऐसे के बेटा बिटमार्क के एक्शन होता है, फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जिस बंदे ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया था यहाँ पर ज्वाइन कर लो, यहाँ पर डेली में फ्री मेटल न्यू ट्रेनिंग पर यहाँ पर अपलोड कर दे दो। ओके तो बिटमार्क आइकन ओपन करने के बाद जो है, तो गाइस फर्स्ट बिट में आना है, पर सेकंड बिट पर आना है यहाँ पर। ओके यहाँ पर कुछ नहीं कर लेना, ओके मैंने ऑलरेडी दे चुका है तुमको। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर थोड़ा आ जाना, आ जाने के बाद तो फर्स्ट वाला जो फ्रेम दिख रहा है यहाँ पर मेरे क्या कर रहा है, यहाँ पर रेड वाला आइकन यहाँ पर क्लिक करके रखा है, पर मैं हाइड अनहाइड करके रखा है। ओके क्या करें, एडिट ग्रुप पर जाना है, एडिट ग्रुप पर जाना है, सभी फ्रेम में अपना मॉडल की इमेज डाल देना है, जिसका बनाना है, गर्ल का बनाना चाहते हो। ओके तो क्या करना, फर्स्ट नीचे वाला जो रेड लाइट है फर्स्ट वाला, ओके इसको एडिट ग्रुप पर जाना है। यहाँ पर एडिट ग्रुप पर जाना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। कलर टू फिल पर जाने के बाद यहाँ पर मॉडल की इमेज सेलेक्ट कर लेना। ओके यहाँ पर कलर टू फिल पर जाकर यहाँ पर क्लिक, ओके मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका था। ओके यहाँ पर ऑटोमेटिक लग जाए तो तुमको चेंज कर लेना, यहाँ पर क्या कर लेना, ओके इससे कलर फिल पे जाने के बाद यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ओके क्या करना, बैक करो, मैं बैक आने के बाद सबसे पहले सेकंड बिट पे जाना है। यहाँ पर क्या करना, बिट मार के जाने के बाद यहाँ पर एडिट ग्रुप पे जाना है, सेकंड वाला फ्रेम दिख रहा है यहाँ पर भी ऐसा कर लेना, एडिट ग्रुप पे जाना है यहाँ पर क्लिक कर लेना, यहाँ पर कलर फिल पे जाना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। ओके यहाँ पर इससे होने के बाद तो क्या करना, सेकंड बिट में जाना है गाइस ये वाला। ओके यहाँ तक, ओके एड ग्रुप पे जाना है, एड ग्रुप पे जाना है, थर्ड वाला फ्रेम दिख रहा है यहाँ पर। ओके यहाँ पर भी सेम तरीके से कर लेना, एडिट ग्रुप पे जाना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है, कलर फिल पे जाना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ओके यहाँ पर तुम चेंज करके रखते हो। ओके बैक आते बिट मार्क आइकन क्लिक कर लेता हो, सेकंड बिट पे आने के बाद ये दिख रहा है लास्ट तक खींच लेना है, प्रॉब्लम आती है। ओके एडिट ग्रुप पे जाना है, फोर वाले इमेज दिख रहा है यहाँ पर, कलर टू फिल पे जाने के बाद एडिट ग्रुप पे जाना है। अच्छा इमेज पर क्लिक करने के बाद ओके सिलेक्ट हो चुका है गाइस। ओके फाइनली ये वाला स्टेप फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ओके मैं फाइनल लास्ट तक खींच लेता हूँ ये सभी इमेज। ओके लास्ट तक खींच लेता हूँ, जो फोर वाला कलर टू फिल एडिट ग्रुप पे जाने के बाद गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम है। अच्छा ओके यहाँ पर मैं फाइनली ओपन करता हूँ वॉलेट मशीनों का प्रोडक्ट पर, तो बिट मार्क आइकन ओपन कर लेता हूँ, सेकंड वाला जो ओके यहाँ पर लास्ट खींच लेना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, फोर वाला इमेज दिख रहा है यहाँ पर एडिट ग्रुप पे जाना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है, कलर टू फिल पे जाने के बाद यहाँ पर वाला सिलेक्ट करना है। ओके बैक आता हूँ, बैक आने के बाद क्या कर लेना है, यहाँ पर लास्ट खींच लेना। ओके ऑटोमेटिक लग चुका, तो गाइस सेव होने बताया हमारे लग चुका है। ओके कोई टेंशन मत लेना, यहाँ पर तो क्या करना है गाइस, यहाँ पर मैं एक बात बता दो, सबसे पहले जो जो मॉडल की इमेज मैंने ऑलरेडी इफेक्ट लगा चुका है, ऐड कर चुका है, तुमको कोई दिक्कत आने के बाद ओके तुम वन डे वन यहाँ पर जो मॉडल की इमेज तुमको ऐड करना है वो ऐड कर लेना। ओके सभी मीडिया पर जाता हूँ मैं, सभी मॉडल की इमेज यहाँ पर इस तरीके से ऐड करता हूँ। ओके मैं टेलीग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके टेलीग्राम पर मैंने इमेज तुमको दे चुका है यहाँ पर सबको इमेज यहाँ पर। तो गाइस ये वाला मैं यहाँ पर कोई भी एक मॉडल की इमेज देता हूँ ये वाला। ओके ओके तो गाइस फाइनली ये वाला इमेज ले चुका है। तो गाइस क्या कर लेना है, इमेज लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे स्लाइड कर लेना। ओके लास्ट क्या था जैसे इफेक्ट के आगे, ओके ऑटोमेटिक वाला इफेक्ट लग जाएगा देखो। ओके तो क्या कर लेना है, यहाँ पर बिट के साथ ऐड कर लेना, मैंने तुमको पता दे। ओके यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे स्लाइड कर लेना। ओके यहाँ तक, ओके क्लिक करने के बाद नीचे स्लाइड कर लेना। ओके तो क्या कर लेना, यहाँ पर वाला यहाँ पर भी क्लिक कर लेना, नीचे स्लाइड कर लेना, सभी जो जो मॉडल तुमको देखे तुम जब तक ऐड करता हो यहाँ पर नीचे इफेक्ट के नीचे यहाँ पर ऐड कर लेना। ओके तो गाइस फाइनली यहाँ पर इसे सभी तुम ऐड कर लेना, मैंने इफेक्ट ऐड कर चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं, जिस बंदे कोई दिक्कत है इंस्टा पर मैसेज करना। और एक बात बता दो, बैक का तो मैं शेक इफेक्ट का आइकन ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर भी मैंने कीपैड दे चुका है फर्स्ट वाले। ओके तुमको कोई दिक्कत नहीं, सेकंड वाले इफेक्ट क्या करना है, कॉफी कर लेना। ओके कॉफी करने के बाद बैक आना है, बिटमार्क आइकन ओपन कर लेना है,
यहाँ पर थर्ड वाले यहाँ पर मिल जाता हूँ, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है इफेक्ट, तो दो इफेक्ट मैंने ऑलरेडी लग चुका है यहाँ पर, तो फर्स्ट इमेज वो लग जाएगा, सेकंड वाले इमेज में कोई भी इफेक्ट नहीं लग जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड वाले इफेक्ट हमने कॉपी किया है यहाँ पर इफेक्ट पर जाकर वाला इफेक्ट पेस्ट कर लेना। ओके यहाँ पर भी इसी हम तरीका से इफेक्ट पेस्ट कर लेना। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद तो क्या करना है, क्लिक करने के बाद नीचे स्लाइड कर लेना इफेक्ट क्या है नीचे। ओके ये वाला, ये वाला ओके ऑटोमेटिक लग जाएगा। ओके तो गाइस इस तरह सेम प्रोसेस ऑल इमेज पर कर लेना। ओके जिस बंदे को दिक्कत है इंस्टाग्राम पर्सनल मैसेज करना, मैं सबको रिप्लाई दूंगा। तो गाइस चलो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करूंगा, इस तरह डायरेक्टली सेव कर लेना। ओके।